शिक्षा, स्वागत है आपका इस शिक्षा के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ पे एक सर्कुलर मोशन मैंने सर्कुलर पाथ मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने दो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एक तो ये वाला जो कि रेडियस के अलॉन्ग हमें दिख रहा है, जिसको मैंने ए सी से रिप्रेजेंट किया है, और एक हमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिख रहा है, जिसे मैंने ए टी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इन दोनों टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहला है हमारा ए सी, यानी कि जिस जो ए सी यानी कि जो है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये हमें दिखता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक सर्कुलर पाथ की। तो हमें पता है कि हमें ये बात दिख रही है कि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो बदली हुई हमें मिलेगी, क्योंकि ये कर्व है। इसके हर एक पॉइंट की डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो अलग होगी, यानी कि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, सपोज हम करें बात, तो और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो सर्कुलर पाथ के अंदर 100% हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे आर है हमारा जो रेडियस है हमारे सर्कुलर पाथ का। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं वही वाला कि ए सी विल ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होना 100% श्योर है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल, यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही जो सर्कुलर मोशन है वो पॉसिबल है। अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो इट ऑलवेज एक्ट्स रेडियली इनवर्ड, यानी कि अलोंग द रेडियस ये जो है एक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर। यहाँ पर हमने पॉइंट पी लिया है तो हम देख रहे हैं कि जो एरो है ये अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रेडियस है ये हमारा, ये पॉइंट ओ, ओ हमारा सेंटर है, और ये कोई भी पॉइंट हमने सर्कमफ्रेंस पर पी चूज कर लिया, और हमने जो ये लेंथ ली, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये अलोंग द रेडियस इनवर्ड जो है अंदर की तरफ एक्ट करता है। आप कोई भी पॉइंट ले लो आर्बिट्ररी, यहाँ पर हमने कोई क्यू पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो फिर से सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। फिर हम बात करते हैं हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब है सिंपल यहाँ पे स्पीड। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब है कि जो स्पीड है उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, या आप सिंपल आप समझ सकते हो वेलोसिटी का मतलब है जैसे कि हम बोलें कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड हमने इसका मैग्नीट्यूड दे दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और साथ में स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। वहीं पर अगर हम बात करें स्पीड की तो उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उसके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, 5 मीटर पर सेकेंड या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, यानी कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो सिंपल हम देख सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका मतलब है वो आता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यानी कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, जो कि हम लोग एक्सेलरेशन के लिए पढ़ते ही हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सिंपल। अब हम अगला पॉइंट है कि नॉट नेसेसरी, यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा हो और उसके पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो हो सकता है कि उसके पास उसकी जो उस केस में जो चेंज इन स्पीड आएगा डेफिनेटली वो ज़ीरो आएगा।
ठीक है, क्योंकि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसमें जो डेल्टा वी है वो जीरो आएगा। तो उस केस में जो आपका अगर चेंज इन स्पीड ही जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन उस केस में जीरो होगा। अब हम बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इट एक्ट्स टेंजेंशियली, यानी कि टेंजेंशियली एक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर। अगर हम सपोज हमने पॉइंट पी पर देखा तो देखो ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है यहाँ पर ऐसे। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, पॉइंट आर मान लें ऐसे कोई भी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो कुछ ऐसे करेगा, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हमने क्योंकि दो एक्सेलरेशन देख लिए, नंबर वन सेंट्रिपेटल, नंबर टू टेंजेंशियल। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का होना 100% है, ये होगा ही होगा सर्कुलर मोशन के अंदर, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एक सर्कुलर मोशन उसके अंदर नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, फिर हम देख सकते हैं रिजल्टेंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम लोग उसके रिजल्टेंट उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम यहाँ पे रख देंगे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस इन टू ट्वाइस इन दोनों का प्रोडक्ट और कॉस 90, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल जो 90 डिग्री है, किसी भी पॉइंट पर हम देखें किसी भी पॉइंट पर, तो डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल होगा और जो आपका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स दिस सेंटर होगा, और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी जीरो। तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ AC और AT बचेगा, ठीक है। तो A नेट की वैल्यू आ गई हमारे पास ये अंडर रूट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब हम देखें, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसके बारे में हम एक वीडियो भी ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको देखना तो आप वो भी देख सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, तो उस केस में जो डेल्टा वी है वो जीरो होगा, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो ए नेट की वैल्यू है वो आती है हमारी एसी का स्क्वायर प्लस जीरो, तो ये एसी के इक्वल आ जाती है, यानी कि उस केस में जो नेट एक्सेलरेशन है वो हमारे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।